सकते हो यहाँ पर फुल बॉडी में जो पार्ट्स कवर किए जाते हैं वो आपका टैंक हो गया, आपके दोनों साइड के जो है पहली हो गई डिक्कीज वगैरह हो गई, ये देख सकते हो आप। इसके अलावा जो आपका मडगार्ड हो गया आगे का और पीछे का, इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप उसको लगाया गया स्विच, और ये स्विच है हेडलाइट का, और हेडलाइट जो लगाई गई है वो रिंग प्लस माइनस वाली लगाई गई है, ये देख सकते हो, जिसके लिए यहाँ पर एक स्विच लगाया गया, यानी कि इसको जब आप चाहो ऑन कर सकते हो, जब आप चाहो ऑफ कर सकते हो, ये देखो। और इसका जो रिंग है ये वाइट भी चलेगा बट वो स्टार्ट पे चलेगा, और मैं आपको दिखा दूँ इसका जो ये वाला स्विच है ये पूरा चेंज कर दिया है, क्योंकि आपको पता है जो न्यू आजकल बाइक्स आ रही है उनकी ना हेडलाइट ऑफ ही होती है, तो यहाँ पर स्विच चेंज करके और इसको आप ऑफ भी कर सकते हो, जब आप चाहो इसको ऑन कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने है। तो इसको मैं ऑफ करता हूँ एक बार, ये देखो, तो वाइट में भी काफ़ी अच्छा लगता है ये, और येल्लो में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और येल्लो का फायदा ये भी रहता है बेसिकली, जैसे फॉग वगैरह हो रहा है तो कोहरे में जब आप उसको लेके निकलते हो तो एक्सीडेंट के काफ़ी कम चांसेस जाते हैं, पता चलता है कि दूर से कोई आपके व्हीकल सामने आ रहा है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है ये भी देखो। साथ ही उसमें LED बल्ब लगा रखे हैं जैसा कि आपके सामने हैं, और हैजार्ड सिस्टम लगाया गया है, और हैजार्ड जो है वो आपको 40-50 तरीके के पैटर्न दे देता है, और पैटर्न को एक्टिवेट करने के लिए आप इस स्विच का यूज़ कर सकते हो, लेफ्ट राइट बीच में प्रेस अगर आप करते हो जैसे फास्ट तो उसके पैटर्न जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर ना पूरा इंडिकेटर चेंज नहीं किया, सिर्फ LED बल्ब को चेंज कर दिया गया जैसा कि आपके सामने फोकस आप देख सकते हो। साथ ही मैं यहाँ पर लगा दिया रोड वाला लेग गार्ड, और इसमें दो लेग गार्ड आते हैं, एक यहाँ से खुल भी आता है जो कि आप लोगों को पता होगा, बट ये खुलने वाला नहीं है लेकिन है बहुत ही हैवी क्वालिटी का, और ये रॉयल एनफील्ड का है जैसा कि आप देख सकते हो। और गाइस ये जो हैंडल बार है ये भी चेंज है, ये इसका जो स्टॉक हैंडल बार आता है उसको हटाकर इसमें दूसरा हैंडल बार लगा दिया गया है, और काफ़ी कंफर्टेबल है ये भी गाइस। इसके अलावा यहाँ पर लगा दिए गए रूट्स के हॉर्न, एक इस साइड में और एक उस साइड में गाइस, अगर मैं साउंड आपको सुनाऊँ, रूट्स का नाम ही बहुत है, साउंड की तो आप बात ही छोड़ो, तो जैसा कि आपके सामने होगा ये भी रूट्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए उसका बैंड पाइप चेंज है, यानी कि जो एग्जॉस्ट चेंज किया है ना लॉन्ग पंजाब, वो सिर्फ एग्जॉस्ट को चेंज नहीं कराया, जड़ से पूरा बैंड पाइप हटा दिया है, प्लग एंड प्ले फिटिंग है, जब भी फ्यूचर में आपका दिल करेगा आप अपना ओरिजिनल वाला बैंड पाइप और एग्जॉस्ट लगा कर अपनी बाइक को दोबारा से स्टॉक बना सकते हो, जस्ट प्लग एंड प्ले, और इसमें किसी भी तरीके की कोई अल्ट्रेशन नहीं होगी, आपका सेंसर भी इसमें लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो, और इसमें साउंड की भी जो है काफ़ी इजाफा हो जाता है, यानी कि साउंड और ज़्यादा अच्छा निकलता है। तो ये इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है, और ये है इसका स्टॉक बैंड पाइप जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है, आप देख सकते हो, तो ये भी चेंज किया गया। सीट भी इसकी की गई है चेंज जैसा कि आपके सामने है, सीट भी इसकी चेंज की गई है, काफ़ी स्लिम है, काफ़ी अच्छी लग रही है, और इसमें जो बॉर्डरिंग दे रखी है ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, यहाँ से देखो भाई, और जो LED बल्ब थे वो भी पीछे लगाए गए, साथ ही में इसमें लगा दिए गए अलॉय व्हील्स, ये देखो, और वैसे अलॉय व्हील्स के काफ़ी सारे डिज़ाइन आते हैं, आप चाहे मर्सिडीज़ के लगा सकते हो, या जो स्पोक्स वाले आते हैं अलग अलग जिसमें काफ़ी सारे स्पोक्स होते हैं वो भी लगवा सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लगवाते हो, बट ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो स्टैंडर्ड पर ज़्यादातर ये वाले अच्छे लगते हैं, देख सकते हो वैसे। और रूट्स इस तरफ भी आप देख सकते हो, एक उस तरफ मैंने आपको दिखाया था और एक इस तरफ भी लगा हुआ है, और एग्जॉस्ट की जो फिटिंग चालू है आप देख सकते हो, तो इसको फिटिंग करके फिर इसको आप सुनाते हैं आपको साउंड किसका साउंड कैसा है। कंप्लीट है निशाद भाई, मारो केक मारो उसको, सीट है क्योंकि इसमें सेल्फ तो होता ही नहीं है, देसी बाइक है, करना स्टार्ट एक बार जरा इसको भैया, भाई स्टार्ट करेंगे अपने हाथ से, आ जाओ भाई, आ जाओ सर भाव में, अरे तुम आ जाओ। अच्छा ये तो बता दो काम कैसा लगा इधर आगे थोड़ा सा, भाई कह रहे हैं बस तुम कर दो बड़ा बड़े, करो स्टार्ट आप ही करो। तो गाइस साउंड सुन सकते हो इसका आप, एक मिनट छोड़ देना, जब बाइक आप स्टार्ट करोगे तो ये कुछ इस तरीके का साउंड मिलेगा आपको, भाई साहब ये पटाखे ही मारेंगे लेकिन हमें मारेंगे नहीं पटाखे, आप थोड़ा मार सकते हो, बाकी एग्जॉस्ट की काफ़ी सारी रेंज है, आप जो चाहो वो लगवा सकते हो गाइस, सारे एक्सेसरीज मैंने आपको दिखा दी, कुछ रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो भाई, बाकी ये इसका स्टॉक सामान है जो निकाल रखा है, ये आपका सामान आपको वापस दे दिया जाता है, इसको अपना कोई रोल नहीं है, ताकि फ्यूचर में जब भी आपका दिल करे आप अपनी बाइक को दोबारा से स्टॉक बना सकते हो।